विद्यार्थियों, आज हम बताएंगे आपको कि अम्ल और क्षार की परिभाषा जो है अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस वैज्ञानिक रूप से तो अर्हेनियस ने क्या बताया था। देखिए अर्हेनियस के अनुसार अर्हेनियस ने बताया था, वो बताएंगे अर्हेनियस के अनुसार, ठीक है ना, क्या परिभाषा है वो बताएंगे। तो बताया अर्हेनियस ने बताया कि अम्ल है पदार्थ, क्या बताया, वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन धनाई देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। बताया अम्ल क्या है, ठीक है ना, अम्ल क्या है, तो बताया ऐसे पदार्थ, हाँ, अम्ल क्या है, वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर, हाइड्रोजन धनाई देते हैं, पानी में घोलने पर हाइड्रोजन धनाई देते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन धनाई देते हैं। देख के अभी कैसे, जैसे अभी हम देखते हैं पर कि हमने लिखा HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसको हम पानी में घोलते हैं तो क्या बनेगा, तो हमने देखा H धनायन प्लस CH ऋणायन, हमने बताया वे पदार्थ पानी में घोलने पर हाइड्रोजन धनायन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ये अर्हेनियस के अनुसार है, या जो पदार्थ पानी में घोलते हैं वो प्रोटॉन देते हैं या हाइड्रोजन धनायन देते हैं, तो उसको हमने देखा। ऐसे ही क्षार क्या है, क्षार वह पदार्थ हैं जो पानी में घोलने पर हाइड्रोक्साइड देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो बताया पानी में घोलने पर, ठीक है, पानी में घोलने पर OH हाइड्रोक्साइड ऋणायन देते हैं, तो हाइड्रोक्साइड ऋणायन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो अर्हेनियस ने अपनी बात रखी, अर्हेनियस ने बताया कि हम लोग पदार्थ अगर पानी में घोलने पर हाइड्रोजन धनाई देते हैं और क्षार हुए पदार्थ है जो पानी में घोलने पर क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड ऋणायन देते हैं। कैसे, हमने देखो ये लिखा NaOH ये मैंने लिखा, और ये पानी में घोलने पर क्या बनेगा, Na धनायन प्लस OH ऋणायन, ये OH ऋणायन देते हैं कब, पानी में घोलने पर, ठीक है ना, पानी में घोलने पर, ये हमने अभी बताया उन पर लिखा हुआ है पानी में घोलने पर, और ये भी कहा पानी में घोलने पर क्या देंगे, ये हमने कहा OH ऋणायन देते हैं, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋणायन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो समझ में आया कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन धनायन देते हैं और क्षार वह पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर OH ऋणायन देते हैं। आपको बता रहे हैं कि जैसे अम्ल है, अम्ल क्षार प्रमाणित पदार्थ चल ही रहा है, अभी हमने आपको अम्ल और क्षार की परिभाषा जो अर्हेनियस के अनुसार बताई थी, अब आता है अम्लों के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से अम्ल है दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है, इसमें हम लिख सकते हैं अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्लों के प्रकार, तो हमने कहा अम्लों के प्रकार है नंबर एक, ये है कार्बनिक अम्ल, ठीक है, कार्बनिक अम्ल है, ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड, इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना, ये कार्बनिक अम्ल, ऐसे मतलब जो कार्बनिक पदार्थों में, जो कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं या जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अम्ल होते हैं, अधिकतर जो हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे आपने देखा कि नींबू है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, तो ये साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड ये किसमें,
ठीक है, साइट्रिक एसिड है, ये बताया ये। तो किसमें होता है? नींबू होता है, नींबू में, ये नींबू में कौन सा साइट्रिक एसिड है। ऐसे इमली है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, इमली में कौन सा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है, ये इमली में होता है। और इमली में साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये जैसे टमाटर है तो टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हमने कहा ये सभी ऑक्सैलिक एसिड, ये सभी जो है कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड ये, और ये ऐसे ही ये हमने कार्बनिक, ये द्रवल अम्ल है, ये इनको हम द्रवल अम्ल भी कहते हैं, ये द्रवल अम्ल कहलाते हैं, वीक अम्ल है, एसिड है, ये द्रवल है, ठीक है, द्रवल अम्ल कहिए, कार्बनिक अम्ल द्रवल अम्ल होते हैं। और जैसे हमारे जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थों में ये हम पाए जाते हैं, नींबू है, इमली है, टमाटर है, तो नींबू में साइट्रिक एसिड है, नींबू में टार्टरिक एसिड है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड है। ऐसे ही जो है जो दही है, मट्ठा है, लैक्टिक एसिड है, दही है तुमने कहा इसमें कौन सा लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ये दही में होता है। ऐसे ही हमने कहा सिरका है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, सिरका में कौन सा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो हमने कहा ये सभी कार्बनिक अम्ल है। अब जैसे चींटियाँ हैं, चींटियों में फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे चींटी, हमने कहा चींटी में कौन सा अम्ल है, चींटी में फॉर्मिक एसिड है। चींटियाँ काट लेती है तो वहाँ पर बहुत जलन होती है, ठीक है, मधुमक्खी काट लेती है, चींटी काट लेती है, तो चींटी है, मधुमक्खी है, वाले कीट होते हैं, उनमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो अब क्या है, जैसे अब कभी कभी हम खाना पीना खाते हैं, ये खाते नींबू है, खट्टा होता है, साइट्रिक एसिड है, इमली खट्टी होती है, टार्टरिक एसिड है, टमाटर में खट्टा पड़ रहा है, ऑक्सैलिक एसिड है, दही है, लैक्टिक एसिड होता है। लेकिन एक बात और है कि जैसे हम खाने पीने की चीज़ें, दही है, दही मट्ठा वगैरह चीज़ें हैं, हमें जैसे कांसे के बर्तन है या तांबे के बर्तन है उनमें नहीं रखना चाहिए, ये विषैले हो जाते हैं हमारे शरीर में, विभिन्न प्रकार के लिए मतलब बीमारियाँ रोग पैदा कर सकते हैं। तो दही को, मट्ठा को हमें जो है कांसे का बर्तन, तांबे का बर्तन, पीतल का बर्तन, इनमें नहीं रखना चाहिए। तो ये बताया कि लैक्टिक एसिड होता है, और अगर इसमें हम पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में रखेंगे तो ये हानिकारक हो जाता है, विषैला हो जाता है, हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो एक तो अभी बताया मैंने ये कौन सा है, ये कार्बनिक अम्ल है, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, बहुत मतलब खाद्य पदार्थों से, बताया खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, ये खाद्य पदार्थों से मिलते हैं अधिकतर, और खाद्य पदार्थों से मिलते हैं, ठीक है ना, ये बताया हमने। और ये चींटियाँ है, मधुमक्खी है, इनमें फॉर्मिक एसिड होता है जिसके कारण हमारे जलन होती है, काट लेते हैं, तो ये हमने बताया। अब दूसरा आता है किसमें, हाँ दूसरा समझिए, दूसरा आता है ये हमने बताया अभी कार्बनिक अम्ल, और दूसरा आता है ये, इनको हम कहते हैं खनिज अम्ल होते हैं, जैसे ये मिनरल ऑयल, मिनरल एसिड्स होते हैं, खनिज अम्ल कहिए खनिज अम्ल है, या ये हम इनको मिनरल एसिड कहते हैं, मिनरल एसिड्स, ठीक है, ये मिनरल एसिड्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। अब खनिज अम्लों में जैसे अब जो जमीन से प्राप्त होते हैं, हमने कहा जो जमीन से या भूमि से प्राप्त होते हैं, भूमि से या मिट्टी से प्राप्त होते हैं, भूमि से प्राप्त होते हैं, ये खनिज अम्ल है, जैसे HCl है, HCl HNO3, ये HNO3 है, और H2SO4, H3PO4, ये अम्ल एसिड है, ये हमने कहा ये H3PO4, ये बताया कौन से, ये हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए हमने कहा ये खनिज अम्ल है, दो प्रकार के अम्ल होते हैं। तो ये आगे हम देखते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण हमने पढ़ा था आपसे, तो रासायनिक गुण क्या है, अम्लों के गुण देखेंगे। तो अम्लों के रासायनिक गुणों में पहले हम देखते हैं अम्लों की धातुओं से क्या क्रिया होती है, ठीक है ना, ये रासायनिक गुण इसके हैं, अम्लों के रासायनिक गुण, ये रासायनिक गुण ये हमें पढ़ना है अभी,
रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। रासायनिक गुण या हम इनको कहते हैं, हमने बताया केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरे क्षारों के साथ भी हम पढ़ेंगे, तो ये हमने देखेंगे। सबसे पहला हमने कहा मेटल्स के साथ या धातुओं के साथ हम लोग की क्रिया क्या होती है, ठीक है ना, मतलब धातुओं से क्रिया, क्रिया क्या होती है ये हम देखेंगे। अभी हम लोग की धातुओं से क्रिया, तो इसमें हमने कहा अम्लों की धातु से क्रिया, कुछ तत्व कुछ धातु हैं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है ना। अब हमने कहा धातुओं से क्रिया, और धातुओं से क्रिया है तो बताए कुछ धातु हैं, जैसे हमने कहा अभी सोडियम है, ठीक है, सोडियम एने सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, और सोडियम मैग्नीशियम जिंक और एल्युमिनियम आदि धातु हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्युमिनियम है और आदि धातु हैं। ये क्या है, एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। कैसे देखें, हमने आपका Na प्लस ये देखते हैं, Na प्लस हमने लिखा भी, ये Na प्लस HCl लिखी, ठीक, Na प्लस HCl ये लिख दिया हमने, तो ये हमने कहा कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना, Na प्लस HCl गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस, और प्लस क्या बनेगा, NaCl, ये NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, इनको हम वो कर लें, टू एच सी एल हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और ये टू एन ए और यहाँ टू एन ए सी। ऐसे ही हमने कहा अगर जेड एन जिंक धातु से क्रिया कराते हैं, जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर, जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर ये गिव्स आउट, मतलब जिंक जो जिंक धातु है, जिंक मेटल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर से जब क्रिया करेगी, रिएक्शन करेगी, तो जेड एन एस ओ फोर बनेगा, क्या बनेगा, जेड एन एस ओ फोर, जिंक सल्फेट बनता है, ये बताया जेड एन एस ओ फोर प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस उसे मिलती है, तो बताया व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स आउट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, जब हाइड्रोजन धातु है मेटल है सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करती है तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये हमारे समझ में आ रहा होगा कि ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्युमिनियम है, ये धातु है, ये क्रिया करती है हम लोग से तो हाइड्रोजन गैस देती है। आगे देखिए एल्युमिनियम से लेकर करके ये है, ये लिखा एल्युमिनियम और प्लस एच टू एस ओ फोर लिख दिया हमने, एल्युमिनियम प्लस एच टू एस ओ फोर और गिव्स आउट ये एयर, क्या बन गया, एयर टू एस ओ फोर का होथ्राइस, ये बन गया एयर टू एस ओ फोर का होथ्राइस प्लस एच टू हाइड्रोजन गैस, ये बनी हाइड्रोजन गैस बन। ये देखिए हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम टू है तो हम यहाँ पर टू कर देंगे, यहाँ पर टू चलिए यहाँ पर, और ये एच टू एस ओ फोर है, एस ओ फोर थ्री है तो हमने कहा थ्राइस एच टू एस ओ फोर, ये देखो ऐसे करके लिख दिया थ्राइस एच टू एस ओ फोर और यहाँ थ्राइस एच टू, ठीक है, यहाँ थ्राइस एच टू ये लिख दिया। तो इस तरह से बताया ये धातु है अम्लों से क्रिया करके क्या करें, हमने कहा ये धातु है अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक, ये हमारे समझ में आ गया। आगे देखते हैं इसमें, अब दूसरा आता है धातु कार्बोनेटों से क्रिया, धातु कार्बोनेटों से क्रिया कराएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए ये हमने अभी बताया धातुओं से क्रिया है, ये हमने देखा भी, और अगला ये
तो बताया अगला है धातु कार्बोनेट एसिड। ये बताया धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो इसमें क्या है, तो बताया जब अम्लों की क्रिया हम धातु कार्बोनेटों से कराएंगे तो क्या होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा ये धातु कार्बोनेट, ये ले लिया आपने मान लो Na2CO3 ले लिया, Na2CO3 और प्लस हमने लिखा HCl, ये लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल है, इसे क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, तो हमने कहा Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट लिखा है, यहाँ HCl लिखा है, तो यहाँ पर हम देखो रिएक्शन करते हैं, यहाँ बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O बनेगा और प्लस CO2 गैस बनेगी, ये बनेगा। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखते हैं यहाँ पर H2O है यहाँ पर, तो यहाँ 2HCl लिख दें, 2HCl, तो ये क्या हो जाएगा, 2HCl लिख दिया हमने, और ये NaCl है तो यहाँ 2NaCl हो जाएगा, 2NaCl, Na2, ये 2Na, ये बैलेंस हो गया, और CO2, CO3 यहाँ पर, CO2 और एक और CO3 हो गया, बराबर हो गया, और 2H, ये 2H, ये देखिए हमने बताया जब धातु कार्बोनेटों से अम्लों की क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, लवण, पानी और CO2 बनता है। ये देखिए सोडियम क्लोराइड लवण है, इसको हमने कहा लवण है, और ये पानी जल है, जल बनता है, और ये CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो लवण, पानी और CO2 गैस बनती है, कब, धातु कार्बोनेटों से जब अम्लों की क्रिया होती है। दूसरा एक एग्जाम्पल हमने ये देखा, अभी दूसरा और देख रहे हैं कि जैसे यदि इसी तरह से हम दूसरा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उससे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, चलिए तो अभी देखते हैं, अभी बताएंगे आपको। पहले ये कार्बोनेट का देख रहे हैं, हमने कहा लो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, ये लिख दिया हमने, हमने क्या बनेगा, अब यह हमें मालूम होना चाहिए हमलों से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण, ठीक है, ये देखो लवण पानी, और लवण पानी है और CO2 गैस बनते हैं, ये चीज़ें बनते हैं, तो हमने वही बनाना है यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिया ये गिव्स आउट, ये इधर, ठीक, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस H2O पानी बनेगा और प्लस CO2 गैस बनेगी, देखिए जो बताया आप बैलेंस करके देखेंगे, सल्फेट है CaSO4, ये है बराबर H2, ये यहाँ पर आ गया है CO3 CO2 और एक ये है बराबर है, देखिए ये इस तरह से हमने कहा ये लवण पानी, ये कैल्शियम सल्फेट लवण है, कैल्शियम सल्फेट लवण बनता है, ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट ये लवण बनेगा, पानी बनेगा और ये बनेगा, ठीक। नेक्स्ट और देखते हैं हम, ये आपने देख लिया होगा, अब है धातु जो कार्बोनेट है मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट से या वाई कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिए अभी देखते हैं इसको, ये इधर हमने ये रिएक्शन है, ये अभी देखिए, तो यहाँ पर हमने कहा बाइकार्बोनेटों से क्रिया, तो बाइकार्बोनेट या हम उनको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, लीजिए Na, ये लिखा है NaHCO3 और इसमें यहाँ प्लस HCl लिख दिया हमने, और देखिए क्या बनता है, गिव्स आउट ये हमारे सामने है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड ये बन गया NaCl प्लस हमने बताया H2O, ये H2O बना प्लस CO2 गैस, तो देखिए ये CO2 गैस, तो बताया इसमें हम बैलेंस कर देंगे Na, ये यहाँ पर सिंगल ये जाने है, यहाँ भी बन Na है, यहाँ H1+2H H2O, ये आ गया CO2 आ गया, बैलेंस है, तो बनाया
sodium hydrocarbonate reacts with hydrochloric acid and gives out sodium chloride plus H2O plus U2. Sodium chloride क्या एक salt है, बताया था ये लवण है या salt कहते हैं, ये एक salt है, salt ठीक है ना, एक salt है तो बताया था हमने साल पानी और ये बनता है। चलिए आगे अभी बताइए और बताएंगे इस पर। चलिए अब हम बताएंगे कि क्षारकों के साथ धातुओं की क्रिया क्या होती है, ठीक है ना, क्षारकों के साथ धातुओं की क्रिया, क्षारकों के साथ हम धातु की क्रिया कराएं तो क्या होगा, धातु की क्रिया, ठीक है ना, क्रिया ये कराते हैं तो क्या होगा। देखिए तो हमने कहा सबसे पहले जैसे हमने सोडियम जिंक धातु ली, जेड एल प्लस इसके साथ NaOH के साथ क्रिया कराएगा, NaOH के साथ क्रिया कराई NaOH के साथ ये और गिव्स आउट हमने कहा क्या बनेगा सोडियम, ये इसमें हार्डन गैस निकलेगी तो ये इसमें Na2 ZnO2 बना प्लस हार्डन गैस, ये H2 गैस निकलती है, ये क्या बना इसे देखिए, तो हमने यहाँ पर 2 NaOH कर दिया तो Zn Na2 ठीक है ना, Na2 ये हो गया और O ये दो है, H2 ये हो गया और इसको हम कहेंगे सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट ठीक है, सोडियम जिंकेट ऐसे ही हमने कहा ये सोडियम जिंकेट बनता है और हार्डन गैस बनती है तो ये क्षारकों के साथ आपकी क्रिया है। ऐसे ही हम दूसरी जैसे एल्युमिनियम के साथ करा सकते हैं, एल्युमिनियम हमने कहा एल्युमिनियम Al+ जैसे NaOH प्लस H2O ये रिएक्शन करा है तो इसमें क्या बनेगा सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट बनेगा ये तो ये Na2 Al+O2 प्लस हाइड्रोजन गैस ये बनेगी, इसको देख रहे हो यहाँ पर एच कितने हैं तो यहाँ 2 NaOH हो जाएगा तो Na2 आया ही है तो ये H2 और 4 2H2 यहाँ लिख देंगे हम और ऑक्सीजन 2 और 1 3 तो 2 है यहाँ पर और 3 Al3 सोडियम Al2 2 ये यहाँ पर बैलेंस करेंगे यहाँ 2H2 हो जाएगा और यहाँ पर ये सही कर ले हम 3H2 ये होगा 3H2 3 2 6 यानी 4 और ये 6 हो जाएगा और 2 और 4 ठीक है Al2O3 यहाँ पर ये Na2 होगा NaAl2 ये 2NaAl2 यहाँ पर देखते हैं 2Na ये है मैंने हमें ये कर दिया और 2 हो गया 2 और 2 4 2 या 4 हो गया H2 प्लस 2 4 6 2 या 6 Na हो गया ठीक। तो ये हमने कहा इस तरह से इसको कहेंगे सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट कहेंगे इसे सोडियम एल्युमिनेट ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस बनती है सोडियम एल्युमिनेट बनता है ये हमने अभी बताया आपको, नेक्स्ट आपको बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें आता है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या होता है ठीक है, एक उदासीनीकरण की क्रिया कौन सी होती है उनके बारे में और न्यूट्रलाइजेशन जैसे कहते हैं, ये अगला है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण तो ये उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है, मैंने बताया अम्ल और क्षारों की क्रिया, अम्ल और क्षारों की परस्पर जब क्रिया कराते हैं तो हमें साल्ट और वाटर लवण और पानी मिलते हैं। देखिए न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण क्रिया सबसे पहले मैंने लिया NaOH लिखते हैं
NaOH ये बताया NaOH प्लस HCl ये लिया हमने, ये हमने कहा एसिड है यार, ये एसिड ठीक है ना, अम्ल और क्षार ये बेस है, अम्ल और क्षार ये क्रिया कराते हैं, अम्ल और क्षार तो क्या बने, हमने कहा ये हमें NaCl ये साल्ट बनेगा लवण, या साल्ट हमने कहा था ये साल्ट है और प्लस ये H2 जल वाटर बनता है। तो बताया वैन एस एन बेस वेन बेस एंड साल्ट रिएक्ट्स एंड दे गिव आउट द साल्ट एंड वाटर, माने जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है HCl अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। सोडियम क्लोराइड ये लवण है तो बताया इनके जो उदासीकरण क्रिया है तो ये अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, अम्ल और क्षार की क्रिया लिखेंगे ठीक है, अम्ल और क्षार ये परस्पर क्रिया करते हैं, अम्ल प्लस क्षार ये क्रिया करेंगे और क्या देंगे, ये लवण और पानी देते हैं, साल्ट एंड वाटर लवण और पानी देते हैं। ये हमने कहा जैसे करके दिखाया NaOH plus HCl plus H2O, तो ये बेस या क्षार है, ये अम्ल है, ये लवण है, ये पानी है, ये बताया अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे लवण और पानी बनेगा, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण की क्रिया कहते हैं। और देख सकते हैं जैसे हमने कहा जैसे KOH की क्रिया पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस ये H2SO4 अम्ल रख दिया हमने ये लीजिए और ये बन गया K2SO4, यहाँ K2SO4 लवण बनेगा, K2SO4 प्लस वाटर H2O पानी बनेगा, संतुलित कर लेंगे H2SO4 और ये KOH K2SO4 2KOH हो जाएगा, हमने 2KOH कर दिया तो H कितना हो गया 2 और 2 4 यहाँ पर और वो 2 है यहाँ पर तो यहाँ 2H2O कर देंगे हमने 2H2O ये हो गया देखो 2H2O ये 2H2O ठीक, ये पानी बन गया, ये हमने कहा लवण बन गया, साल्ट है, ये लवण है, ये पानी है, ये वाटर कहते हैं इसे और ये बेस या क्षार है और ये अम्ल है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और पानी बनता है जिससे हम उदासीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये हमारे समझ में आ गया होगा, आगे हम चलते हैं इसमें। अब देखिए हम पढ़ते हैं मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन देन मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ एसिड्स, तो धातु का ऑक्साइड में से हम लोग की क्या क्रिया होती है ये हमें पढ़ना। तो धातु ऑक्साइड हमने जैसे लिया Na2O ये ले लिया हमने Na2O ठीक है, Na2O प्लस HCl ले लिया क्या बनेगा, ये हमने कहा एसिड है, ये धातु का ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन होगी तो बताया क्या बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया NaCl प्लस ये H2O पानी बनेगा, तो यहाँ पर बैलेंस कर लें 2HCl कर दें या 2NaCl हो जाएगा, तो ये हमने कहा लवण है और साल्ट बोला ये और पानी है, साल्ट और पानी बनता है, तो ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड बताया ये धातु ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड से हम अम्लों की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है ठीक, सोडियम ऑक्साइड ये सोडियम ऑक्साइड है इसे क्रिया की तो ये क्या बन गया लवण और पानी बनता है। ऐसे ही दूसरे ले सकते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड से H2SO4 की क्रिया करा सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दिया हमने दूसरा ले लिया CaO CaO प्लस ये हमने कहा H2SO4 ये H2SO4 ये क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा देखो, ये हमने कहा है यहाँ पर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ये बनेगा CaSO4 ये CaSO4 प्लस H2O ये बन गया देखिए ऐसे बन गया, संतुलित करेंगे हम बिल्कुल संतुलित होगा बैलेंस है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है उल्टा धातु ऑक्साइड है मेटेलिक ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं
तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा और एच टू बनेगा। ये एच टू है ना, ये एच टू प्लस हो, ये बन गया हमारा एच टू। इस तरह से ये हमारे समझ में आ गया कि देखिए अब बताएंगे अधातु ऑक्साइडों से क्षारकों की क्या क्रिया होती है उसको देखेंगे। अधातु ऑक्साइडों से क्षारकों की क्या क्रिया है तो अब हम देखेंगे अभी अधातु ऑक्साइड से क्षारकों की, जैसे ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है, प्लस CO2 गैस ये हमने लिख दिया CO2, और ये क्या बनेगा देखिए ये यहाँ पर NaHCO3 देखिए ये हमने कहा NaHCO3 बना, ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अभी Na2CO3 ये बनेगा, Na2CO3 प्लस H2 प्लस H2 बनेगा। कोई भी SO2 प्लस Na2 ले लें इस तरह से, एक और लेते हैं Na2O प्लस SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया लेते हैं, तो ये क्या क्रिया होगी आपका यहाँ देखते हैं Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, ये SO2 प्लस H2। अब बैलेंस कर लीजिए, मैंने लिख दिया ये यहाँ पर एन ए टू एस ओ फोर ये बनेगा यहाँ पर एस ओ थ्री देख रहे हैं ये बार यहाँ पर एन ए टू एस ओ थ्री बनेगा सोडियम सल्फाइड, जो पहले सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड ठीक है ना, सोडियम सल्फाइड ये बनता है। तो बताया जो क्षारकों के साथ अधातु ऑक्साइड है उनसे हम क्रिया कराते हैं, किस कराते हैं ये अधातु ऑक्साइड क्रिया कराते हैं, तो लवण है या लवण पानी बनता है, जैसे हमने आपको बताया ये ये लिया एक और ले सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं या नीचे रख दिखा सकते हैं NaOH प्लस SO2 ले लिया हमने बताया, ये इस तरह से यहाँ पर Na2 Na2 SO3 प्लस H2 टू NaOH हो जाएगा, तो प्लस ये हो जाएगा प्लस एच टू तो लवण बनेगा, ये सोडियम सल्फाइड एन ए टू एस ओ थ्री प्लस ये एच टू बनेगा और सोडियम सल्फाइड बनेगा, ये हमने देख लिया और पानी बनता है। तो ये आज कितना ही आपके उसमें ये बताया मैंने आपको, कैसा लगा टॉपिक हमारे कल हम फिर बताएंगे अगली क्लास लेंगे। तो आज हमने बताया अधातु ऑक्साइड क्षारकों की क्रिया कि अधातु ऑक्साइड CO2 SO2 या SO2
ये गैस है या धातु ऑक्साइड है और ये किससे क्षार कौशल एलिवेज एलिवेज ये क्षार कैसे क्रिया कराई, तो ये हमें ये बने हैं, इतना हमें करा दिया, शेष पर बताएंगे आपको, ठीक है।